फिरोज वाला म्यूनसिपल टाउन कमेटी ऑफिसर आपे से बाहर हो गया। रेडी बांध पर थप्पड़ों की बारिश, थप्पड़ मारने और रेडी उलटने की फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। डहरकी में रेवेन्यू मुलाजमीन ने ऑफिस को ताले लगा दिए। मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक ऑफिस बंद रखने की धमकी दे दी। मुलाजमीन ने बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया। डेरा गाजी खान में बदबख्त बेटे ने घरेलू झगड़े पर अपनी मां को कत्ल, जबकि अपनी दो बहनों और अपने वालिद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिस पर थाना सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके जालिम दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। शुगर मिल के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सजावल टट्टा रोड पर एहतजाजी मुजाहरा, रोड ब्लॉक कर दिया गया। इनका मुतालबा था कि जल्द से जल्द तनख्वाहें फराहम करके मुलाजमीन में बेचैनी खत्म की जाए। चिश्तियां नूर मोहल्ले में गोली टॉफी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मुल्तान रेस्क्यू 1122 के जेरे तमाम प्री फ्लड फर्जी मशकों का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने फर्जी मशकों का जायजा लिया। रेस्क्यू की टीमों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को सलामी भी दी गई। फर्जी मशकों में 200 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। सीनियर सिविल जज रतु डेरू अहमद अली ने गढ़ी खुदाबख्श के अस्पतालों के तूफानी दौरे करके मरीजों को मिलने वाले इलाज मुआवजे की सहूलियत का जायजा लिया। डॉक्टर और अमला गायब होने और मरीजों की शिकायत पर इजहारे बरहमी। सिंध हुकूमत ने सिंध एड कंट्रोल प्रोग्राम के तहत फंड्स जारी कर दिए। सूबाई हुकूमत ने 3,40,00,000 रुपए की रकम जारी की। पहले मरहले में 2,50,000 ब्लड स्क्रीन कट्स लिए जाएंगे। शेखुपुरा में 30 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी मैच, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन डेवलपमेंट स्कॉट और अजबकिस्तान के दरमियान हॉकी मैच हुआ। मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद में शिरकत। मैच एक एक गोल से बराबर रहा। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सैयद तारिक महमूद बुखारी ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।